आप सभी साथियों का आम आदमी पार्टी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत। ये 2020 की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस दशक की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, जब से देश के किसान की मांग को अरविंद केजरीवाल जी ने आवाज़ दी, उसके इनकलाब की आवाज़ को और बुलंदी दी, जब से आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने देश के किसान के हक में फ्रंट फुट पे आकर लड़ाई लड़नी शुरू करी, तब से हम देख रहे हैं कि भाजपा और भाजपा के नेता एवं गुंडे लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं को, लीडर्स को अटैक कर रहे हैं, फिजिकली अटैक कर रहे हैं, डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं और धमकियां हम सबको दी जा रही हैं। इसकी शुरुआत होती है जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली में किसानों के लिए 9 जेल बनाने का जो प्रस्ताव केंद्र सरकार का खारिज किया, वहां से जैसे ही मुख्यमंत्री जी ने भाजपा के दबाव में ना आकर 9 जेल नहीं बनने दिए, तब से भाजपा पगला गई, बौखला गई, परेशान हो गई। उसके बाद सेवादार की भूमिका में अरविंद केजरीवाल जी ने देश के किसान की सेवा करनी शुरू करी। लंगर से लेकर कंबल तक, शौचालय से लेकर पानी तक, और अब लेटेस्ट सेवा वाईफाई की सेवा भी शुरू कर दी। उससे भी भाजपा परेशान हुई। और जब से हमने ये 3 काले कानून फाड़ के सदन में 62 करोड़ देश के किसानों के साथ खड़े हुए, तब से हमने देखा कि अटैक शुरू हो गए। सबसे पहला अटैक पार्टी के मुखिया, दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री के घर पे हुआ, जब उनके घर पे फिजिकल अटैक किया गया और 2 दिन के लिए राज्य के मुख्यमंत्री को नजरबंद कर दिया गया। उसके बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनके घर में भाजपा के गुंडे दिन दहाड़े घुस जाते हैं, तोड़फोड़ मचाते हैं, पुलिस की मौजूदगी में यह सब होता है, और उनकी पत्नी, उनका बेटा घर में मौजूद थे जब ये सब चीजें चल रही थी और भाजपा के गुंडे तोड़फोड़ और आतंक मचा रहे थे। उसके बाद मेरे कार्यालय पर, दिल्ली जल बोर्ड के हेडक्वार्टर्स जो झंडे वालान में स्थित है, जहां से पूरी दिल्ली का पानी का संचालन होता है, वहां आकर मेरा सारा ऑफिस तोड़ दिया, बेंचेस उखाड़ फेंकी, गमले, शीशे, दरवाजे, टेबल, चेयर, कंप्यूटर, प्रिंटर सब तोड़ दिया, नारेबाजी करी, मुझे धमकाया कि केजरीवाल को समझा दो किसानों की हक की लड़ाई ज्यादा ना लड़े, नहीं तो सबका हश्र ऐसा करेंगे, अगली बार छोड़ेंगे नहीं, इस प्रकार की चीजें कहेंगे। फिर दक्षिणी दिल्ली के हमारे एक कार्यकर्ता को भाजपा के गुंडों ने मार मार के आज से 4 दिन पहले लहू लहान कर दिया, आंख फोड़ दी बेचारे की। और कल की वारदात है, हमारी महिला विधायक कालका जी से, आतिशी जी के घर के बाहर भारतीय जनता पार्टी की कुछ गुंडे आकर खड़े हो गए, 2 गाड़ियां देर शाम तक वहां उनके घर के बाहर खड़ी रहीं, जिसपे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, जो एक पार्लियामेंट के प्रांगण के भीतर जाने के लिए जो स्टिकर मिलता है, जो गाड़ी पे लगाया जाता है, वो स्टिकर भी 2 गाड़ियां जो बाहर स्थित थी उन पे लगा हुआ था, यानी कि भाजपा के ऑथराइज्ड गुंडे उनके घर के बाहर खड़े हो गए आकर। लगातार इस प्रकार की वारदात आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ हो रही है, और मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, हम लोगों को चिन्हित कर आम आदमी पार्टी के नेताओं को पिक एंड चूज कर आइडेंटिफाई कर भाजपा हम पे फिजिकल और साइकोलॉजिकल अटैक कर रही है लगातार। आज इस संदर्भ में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर, जिनकी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था बनाना, जिनके अधीन आता है लॉ एंड ऑर्डर, जिनके अधीन आता है कि दिल्ली के हर नागरिक की रक्षा करी जाए, उस पुलिस कमिश्नर से मिलने का हमने समय मांगा।
हमने समय मांगा और पुलिस कमिश्नर साहब ने अभी तक हमें समय नहीं दिया मिलने का। मैं चुनाव प्रतिनिधि हूं, कई लाख लोगों का प्रतिनिधित्व दिल्ली विधानसभा में करता हूं, जनता ने मुझे वोट देकर अपना प्यार आशीर्वाद देकर विधानसभा में भेजा। आज जन प्रतिनिधि होने के नाते हम अपनी बात दिल्ली के पुलिस कमिश्नर तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन पुलिस कमिश्नर साहब न जाने ऐसे कौन से काम में व्यस्त थे कि वो अभी तक हमें समय नहीं दे पाए। हमारी विधायक कालका जी से, आतिशी जी ने भी कल दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से समय मांगा, उस बात को भी 36-48 घंटे होने को हैं, उनको भी समय नहीं दिया गया। आज ऐसी स्थिति बनाई है दिल्ली में कि एक तरफ तो भाजपा और भाजपा के गुंडे हम पर शारीरिक हमले करवा रहे हैं, हमारी जान को खतरा है, और दूसरी ओर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हमसे मिल तक नहीं रहे हैं। आज दिल्ली के पुलिस कमिश्नर इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि वो भाजपा के दबाव में हैं, भाजपा की कैद में हैं दिल्ली के पुलिस कमिश्नर। तो मुझे लगता है अब आम आदमी पार्टी को पहली लड़ाई जो लड़नी होगी वो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को भाजपा की कैद से छुड़वाने की लड़ाई। अब हम पहली ये लड़ाई लड़ेंगे कि भाजपा के चुंगल से दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को निकालें और उन्हें उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी के बारे में भी बताएं और कहें कि माननीय कमिश्नर साहब हमसे मिल लीजिए, हम दिल्ली के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। दूसरी चीज, दिल्ली का ये कल्चर नहीं है मारपिटाई का। दिल्ली में राजनीति अक्सर होती आई है, दशकों से होती आई है, लेकिन आपसी भाईचारा, शिष्टाचार और सद्भाव के साथ राजनीतिक दल एक दूसरे से पेश आते हैं। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, चुनाव में कई प्रकार की पॉलिटिकल लड़ाइयां होती हैं, लेकिन इस प्रकार के शारीरिक हमले जो भाजपा करवा रही है ये अनप्रेसिडेंटेड है, आज से पहले नहीं देखा गया कभी। भारतीय जनता पार्टी के ही वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी सदैव से आपसी भाईचारे और राजनीतिक दलों के बीच शिष्टाचार की वकालत करते थे। मुझे लगता है भाजपा जिस प्रकार से अपने प्रतिद्वंदी आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेताओं पर हमले करवा रही है, उन हमलों से सबसे ज्यादा चोट यदि किसी को लगी है तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की आत्मा को लगी। भारतीय जनता पार्टी आज हम में से किसी पर भी हमला करवा सकती है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम बड़ी जिम्मेदारी से आपको ये कहना चाहते हैं कि हमारे किसी भी साथी विधायक को, साथी मंत्री को अगर कोई भी चोट पहुंचती है, कुछ भी उसके साथ गलत होता है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार होगी, क्योंकि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हमें समय नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को यह नहीं लग रहा होगा कि जो विषय है ये गंभीर नहीं है, जाहिर सी बात है वो बेहद अनुभवी अफसर हैं, उन्हें इस बात का पूरा आइडिया होगा, संज्ञान होगा कि ये बेहद गंभीर विषय है, लेकिन भाजपा के दबाव में शायद नहीं मिल पा रहे हैं। तो हम सबसे पहले अब दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को भाजपा की चुंगुल से छुड़वाने की लड़ाई लड़ेंगे, और इसके लिए आने वाले कुछ समय में हम बहुत जल्द दिल्ली के उपराज्यपाल से मिलेंगे, दिल्ली के उपराज्यपाल से बात करेंगे और उन्हें कहेंगे कि पुलिस को, दिल्ली की पुलिस को संवैधानिक जिम्मेदारी उनकी क्या है उससे अवगत कराया जाए। अभी तक चाहे मुख्यमंत्री जी के घर पे अटैक हो, हाउस अरेस्ट हो, चाहे उप मुख्यमंत्री जी के घर पे अटैक हो, मेरे कार्यालय पे अटैक हो, इन सारे मामलों में दिल्ली पुलिस वहां मौजूद थी, दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में ये हमले हुए और दिल्ली पुलिस एक म्यूट स्पेक्टेटर की तरह, यानी कि चुपचाप एक दर्शक की तरह पीछे खड़ी होकर ये पूरे हमले, पूरी वारदात को देखती रही, निहारती रही, इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। आज हम पुलिस को भी
उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी से अवगत कराना चाहते हैं। इसके लिए हम उपराज्यपाल से बहुत जल्द समय लेकर मिलेंगे, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से भी अनुरोध करते हैं कि हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, हम दिल्ली की पुलिस को भाजपा के चुंगुल से छड़ाएंगे, हम दिल्ली पुलिस को भाजपा की कैद से बरी कराएंगे और हम आपको आपकी स्वतंत्रता एक निष्पक्ष तौर पर काम करने की वो अवश्य दिलवाएंगे, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे चाहे आप हमारी लड़ाई ना लड़ पा रहे। इसी के साथ साथ मैं बस ये कहकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, 2020 की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस दशक की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को समाप्त करूंगा कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने और उनकी पूरी पार्टी ने देश के किसान की आवाज को बुलंदी दी, हम पे लगातार हमले हो रहे हैं, हमको टारगेट किया जा रहा है, शारीरिक रूप से हमले हो रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं, और यदि आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के साथ कुछ ऊंच नीच होती है तो उसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी होगी। इस संदर्भ में किसी भी साथी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आपने कहा कुछ गाड़ियां खड़ी हैं, किसके ऊपर आप लोगों को शक है कि कौन हो सकता है? देखिए, आज हमारी साथी विधायिका ने एक चिट्ठी लिखी है दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को संबोधित करते हुए, और उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि क्योंकि उन्होंने दक्षिणी दिल्ली के सांसद के खिलाफ बीते कुछ दिनों में कई सारी चीजें उठाई, मामले उठाए, उनकी शिकायत दर्ज कराई है, ऐसा हो सकता है कि उनसे संबंधित लोग हों, इस प्रकार की आशंका उन्होंने अपनी चिट्ठी में दर्ज कराते हुए उस चिट्ठी को दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को लिखा है। लेकिन उनकी जो चिट्ठियां हैं, उन्होंने मिलने का समय मांगा, वो भी नहीं मिला। आज चिट्ठी लिखी, अभी तक उसका जवाब नहीं मिला। आप सोचिए, क्या किसी राज्य में, दिल्ली को छोड़ के किसी भी और राज्य में किसी भी विधायक के साथ इस प्रकार की घटना हो जाए तो क्या प्रशासन और वहां की स्थानीय पुलिस हरकत में नहीं आएगी? और यहां तो पुलिस सो रही है, आराम कर रही है, कुंभकर्ण की नींद सो रही है। बेचारी पुलिस की कोई गलती नहीं है, हम तो खुद कह रहे हैं बेचारी पुलिस की कोई गलती नहीं है, बेचारे दबाव में काम कर रहे हैं, भाजपा की कैद में बैठे हैं। अभी तो हमें पुलिस की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, पुलिस को भाजपा के चुंगल से छुड़वाना पड़ेगा, हम उसकी भी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। और अगर दिल्ली प्रदेश में चुने हुए प्रतिनिधि, हमारे विधायक, हमारे मंत्री सुरक्षित नहीं है तो क्या आम आदमी दिल्ली का सुरक्षित है? ये एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। कोई और अभी तक उस कंप्लेंट की, जो दिल्ली जल बोर्ड पे जो हमला हुआ उसके संदर्भ में जो कंप्लेंट हमने भी सौंपी, उस संदर्भ में ना ही मुझे एफआईआर की कॉपी मिली है, ना ही कोई पूछताछ हुई है, ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन अभी तक शुरू हुई है। और जो हमारा शक था वो यकीन में बदलता जा रहा है कि भाजपा की सांठ गांठ के साथ ये हमला हुआ, भाजपा ने जो दिल्ली पुलिस की सांठ गांठ से और भाजपा की सांठ गांठ से हमला हुआ, और दिल्ली पुलिस ने जो हमला भाजपा ने मुझ पर और मेरे कार्यालय पर किया है उसको पूरी तरीके से अंजाम देने में भूमिका निभाई है। प्रारूप ये होगा कि उसमें सबसे पहला स्टेप, जो प्रथम चीज हम करने जा रहे हैं, वो उपराज्यपाल से मिलेंगे, जो जिनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है दिल्ली में कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस को बनाए रखने की, उनका दरवाजा खटखटाएंगे, उनसे बात करेंगे। विश्वास है कि कुछ सकारात्मक चीजें उस बैठक से अवश्य निकलेंगी। लेकिन हम पुलिस की स्वतंत्रता की लड़ाई, दिल्ली के पुलिस अफसर, पुलिस कमिश्नर को भाजपा के चुंगल से छुड़वाने की लड़ाई अवश्य लड़ेंगे। थैंक यू।